नमस्कार, आप देख रहे हैं मेरा YouTube चैनल करिश्मा कौशिक। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें बेल आइकन प्रेस करके। आज हम बात करेंगे कि नवरात्रों को लेकर के लोगों के मन में बहुत सारी कन्फ्यूजन्स हैं कि कौन सी डेट पे अष्टमी तिथि मनाई जाएगी, कौन सी डेट पे नवमी मनाई जाएगी और कौन सी तिथि पर विजयादशमी मनाई जाएगी। तो देखिए, जो ये डेट्स होती हैं इसमें डिफरेंस बहुत सारे आते हैं। वो इसीलिए आते हैं क्योंकि जो पंचांग के अनुसार तिथियां चलती हैं ये चलती हैं चंद्र कैलेंडर के ऊपर, यानी मून कैलेंडर के ऊपर ये तिथियां चलती हैं। मगर अगर हम बात करते हैं नॉर्मल डेट्स की, जैसे 1, 2, 3, 4 जितनी भी डेट्स हैं ये चलती हैं सन कैलेंडर के ऊपर, जिसकी वजह से जो सन कैलेंडर होता है वो 365 दिनों का होता है और मून कैलेंडर जो होता है 354 दिनों का होता है, जिसकी वजह से 11 दिनों का अंतर आ जाता है। और यही 11 दिन जो है एक साल में, यानी 3 साल में एक बार जो होता है वो अधिक मास पड़ जाता है। तो 11 11 11, यानी अगर 3 साल के हम 11 11 दिन जोड़ें 30 दिन, यानी एक महीना पड़ता है, वो 3 साल बाद आता है, जिसको हम अधिक मास के नाम से भी जानते हैं। हाल ही में अधिक मास समाप्त भी हुआ है और आश्विन मास की प्रतिपदा तिथि से शुक्ल पक्ष की जो नवरात्रे हैं वो आरंभ भी हो चुके हैं। 17 अक्टूबर 2020 को नवरात्रे आरंभ भी हो चुके हैं। अब अगर बात करें हम अष्टमी तिथि की, क्योंकि देखिए ये मैंने आपको इसलिए बताया क्योंकि तिथि का बहुत ज़्यादा एक तरह से महत्व होता है। कभी ऐसा होता है कि सूर्य उदय के हिसाब से ही तिथि मानी जाती है, अगर उसकी अगली तिथि उसी दिन लग जाती है और नेक्स्ट डे जब सूर्य उदय होता है तब तीसरी तिथि होती है, तो वो जो तिथि होती है जो बीच में पड़ती है दोपहर के समय में, वो क्षय हो जाती है, उस तिथि की कोई भी मान्यता नहीं होती है। तो इसीलिए त्यौहार जो है आगे पीछे होते हैं। आप सभी ने ये चीज़ भी देखी होगी कि एक त्यौहार दो दो तीन तीन दिन भी मनाया जाता है। तो ये रीज़न जो है ये यही रीज़न है। अब अगर बात करें अष्टमी तिथि की, तो शारदीय नवरात्रि की 2020 की जो अष्टमी तिथि पड़ेगी वो 23 अक्टूबर को पड़ेगी। 23 अक्टूबर सुबह 6:54 से तिथि आरंभ हो जाएगी अष्टमी तिथि की। तो जो लोग अष्टमी तिथि पे माता महागौरी की पूजा आराधना करते हैं वो 23 अक्टूबर को कर सकते हैं 2020, और जो लोग अष्टमी पे कन्या पूजन करते हैं वो 23 अक्टूबर को ही कर सकते हैं। वहीं पे 24 अक्टूबर सुबह 6:58 से, तकरीबन 7 बजे से नवमी तिथि जो है वो आरंभ हो जाएगी। अब इस तिथि पे जो है जो लोग नवमी पे कन्या पूजन करते हैं वो कर सकते हैं, माँ सिद्धिदात्री की पूजा आराधना इस तिथि पे कर सकते हैं, यानी 24 अक्टूबर 2020 को। अब 24 अक्टूबर 2020 को नवमी पूजन करने के बाद अगले दिन, यानी 25 अक्टूबर 2020 को सुबह 7:41 से दशमी तिथि लग जाएगी, जो कि 25 अक्टूबर को ही विजयादशमी मनाई जाएगी। मगर जो खेतरी कन्या का विसर्जन की तिथि होगी वो 26 अक्टूबर की होगी, और इसके साथ साथ जो माँ दुर्गा का विसर्जन होता है, जो घट स्थापना हम करते हैं, खेतरी हम करते हैं, इन सभी चीज़ों का जो विसर्जन होगा वो सुबह 9 बजे तक होगा 26 अक्टूबर को। तो इन सब चीज़ों का, माँ दुर्गा का विसर्जन आप कर सकते हैं 26 अक्टूबर को। तो बिल्कुल भी मन में कंफ्यूजन रखने की आवश्यकता नहीं है, इस तरह से आप नवरात्रे शारदीय 2020 का पूजन कर सकते हैं और माता के आशीर्वाद भी आप प्राप्त कर सकते हैं। तो और भी ऐसी बातें जानने के लिए मेरा यूट्यूब चैनल फटाफट से बेल आइकन प्रेस करके सब्सक्राइब कर लीजिए। मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।